हे गाइज वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है वो काफी पावरफुल टैबलेट के बारे में होने वाली है जो आपको जस्ट 20,000 रुपए के अंदर मिल जाएंगे। और हाँ, हमने इनको सिलेक्ट किया इनकी परफॉर्मेंस के बेस पर, इनकी डिस्प्ले क्वालिटी या इनकी बैटरी लाइफ, साथ ही साथ ध्यान रखा इनके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी का, एंड गाइज कस्टमर फीडबैक का भी हमने ध्यान रखा है। इन सब के बाद ही इस लिस्ट को प्रिपेयर किया है। सो वीडियो को लास्ट तक देखो, किसी भी पार्ट को स्किप ना करो ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि आपके लिए बेस्ट टैबलेट कौन सा है अराउंड 20,000 रुपए के। और साथ अगर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक मारो, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में से किस लाइफ को पसंद करते हैं। मैं स्कूल लाइफ को पसंद करता हूं, आप अपनी बताओ। सो चलिए बात कर लेते हैं फिफ्थ नंबर के टैबलेट के बारे में जो मैं आपको सुजेस्ट करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। सो फिफ्थ नंबर का जो टैबलेट हमारी लिस्ट में आता है गाइज, वो आता है लिनोवो की तरफ से K10। एंड गाइज अगर आपका बजट 15,000 के अंदर है और उसके अंदर एक वैल्यू फॉर मनी टैबलेट खरीदना चाहते हैं या फिर एक बजट फ्रेंडली टैबलेट खरीदना चाहते हैं तो आप लिनोवो के इस टैबलेट की तरफ जा सकते हैं। ये एक बेस्ट ऑप्शन है इस प्राइस रेंज के अंदर। अगर मैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन की बात करूँ तो एक प्रीमियम एंड सॉलिड फील देता आपको। डिस्प्ले की बात करूँ तो 10.3 इंच की एक फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है जो कि आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देती है। एंड साथ के साथ आउटडोर या सनलाइट में भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। इसके अंदर आपको 3GB रैम मिलेगी, 32GB की स्टोरेज मिलेगी। परफॉर्मेंस की बात करूं तो हिलियो P20T का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देता है। अगर मैं इसकी बैटरी लाइफ की बात करूं तो 7500 mAh की बैटरी लाइफ मिलती है जो आपको अगर आप हैवी यूज करते हैं तो आपका घंटों तक साथ देती है। साथ के साथ अगर मैं इसके कैमरा सेटअप की बात करूं तो 8 MP का इसका प्राइमरी कैमरा मिलेगा, 5 MP का इसका फ्रंट कैमरा मिलता है। और यहीं अगर मैं इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करूं तो ड्यूल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। सो प्राइस इसका 15,000 है, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये एक बेस्ट ऑप्शन है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं, कमाल का टैबलेट है। सो चलिए बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर के टैबलेट के बारे में जो मैं इस लिस्ट के अंदर आपको सजेस्ट करने वाला हूं। सो फोर्थ नंबर पर जो टैबलेट मैं आपको सुजेस्ट करने वाला हूँ गाइस, वो आता है रियलमी की ओर से, रियलमी पैड। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक डिसेंट टाइप का टैबलेट है। इसके अंदर आपको कुछ अमेजिंग देखने को नहीं मिलता है, लुक्स एंड डिजाइन इसके कमाल के देखने को मिलते हैं एंड इन हैंड फील अगर मैं बात करूँ तो काफी प्रीमियम दे देता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रियलमी ने इसको मनोरंजन के लिए ही बनाया है। अगर आपको मूवीज देखने में मजा आता है या फिर आपको गेमिंग करने में, या साथ ही साथ इसके साथ आप ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हैं, हैवी वर्क के लिए आप यूज नहीं कर सकते। एक डिसेंट परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कराता है एंड इसके अंदर जो बैटरी एंड डिस्प्ले क्वालिटी है वो भी आपको डिसेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इस टैबलेट के और फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर मिलती है आपको 10.4 इंच की फुल HD डिस्प्ले, वाईफाई प्लस 4G है, प्राइमरी एंड फ्रंट कैमरा दोनों आपको 8 MP के मिलेंगे, 4GB रैम मिलेगा, 64GB की स्टोरेज मिलेगी, 7100 mAh की बैटरी मिलेगी एंड साथ के साथ मिलेगी आपको 1 ईयर की वारंटी। सो लुक्स को देखते हुए कमाल का टैबलेट है एंड डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देता है। अगर आप Realme की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इस टैबलेट की तरफ जा सकते हैं, प्राइस इसका 18,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए चेक कीजिए या फिर ऑनलाइन बाय कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं थर्ड नंबर के टैबलेट के बारे में जो मैं इस लिस्ट के अंदर आपको सजेस्ट करने वाला हूं। सो थर्ड नंबर पर जो टैबलेट आता है गाइस, वो आता है लिनोवो की तरफ से M10। ये टैबलेट मेरा खुद फेवरेट टैबलेट, क्योंकि मुझे खासकर स्टोरेज रिलेटेड काफी प्रॉब्लम होती है एंड गाइज इसके अंदर आपको स्टोरेज जो मिलती है वो 128 स्टोरेज मिलती है जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 2TB तक। सो कमाल का टैबलेट है, कमाल की परफॉर्मेंस एंड प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो काफी दमदार टैबलेट है। इसके अंदर आपको 4GB रैम मिलता है एंड साथ के साथ 128GB की स्टोरेज मिलती है। बिल्ट एंड डिजाइन की बात करूं तो काफी इंप्रेसिव एंड मेटल बॉडी के साथ आता है गाइज, काफी इंप्रेसिव डिजाइन है, इन हैंड फील भी काफी बेस्ट है। साथ ही साथ गेमिंग लवर के लिए बताना चाहूंगा, आप नॉर्मल गेमिंग में यूज कर सकते हैं जैसे कि COD या फिर PUBG या फिर फ्री फायर। अगर मैं इसके और फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर मिलती है आपको 10.3 इंच की फुल HD डिस्प्ले, वाईफाई प्लस LTE है गाइस, ड्यूल स्पीकर मिलते हैं, 128GB की स्टोरेज, एक्सपेंड कर सकते हैं 2TB तक, 5000 mAh की बैटरी, हिलियो P20T का प्रोसेसर जो आपको लिनोवो K10 में मिला था और साथ ही साथ मिलती है 1 ईयर की वारंटी। सो इन फीचर्स के साथ कमाल का टैबलेट है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इसकी तरफ आप अपनी आंखें बंद कीजिए और बाय के बटन पर प्रेस कीजिए, आपका जो पैसा है वो वेस्ट नहीं जाएगा।
सो चलिए बात कर लेते हैं सेकंड नंबर के टैबलेट के बारे में, जो कि आता है नोकिया की तरफ से, नोकिया T20। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोकिया की तरफ मेरा कुछ खास ही लगाव रहा है बचपन से। हालांकि ये अभी कुछ खास नहीं कर पा रही, बट इसका जो ये टैबलेट है वो मुझे काफी पसंद आया। एंड गाइज, ये वैल्यू फॉर मनी टैबलेट है, ये आपको 18,000 रुपए के अंदर मिलता है। एंड इसके अंदर आपको कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके जो बेस्ट पार्ट है गाइज, वो इसकी बैटरी लाइफ एंड इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है। बैटरी लाइफ आपको इसके अंदर 8100 mAh की बैटरी मिलती है, जो इस लिस्ट के सबसे बड़ी बैटरी है। एंड जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो भी कमाल का एक्सपीरियंस कराने वाली है आपको। साथ ही साथ इस टैबलेट के अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिलता है। ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अमेजिंग देखने को मिलेगी। अगर मैं इसके और फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर मिलता है आपको 10.3 इंच की फुल HD डिस्प्ले, वाईफाई प्लस 4G है गाइस, 4GB रैम मिलेगी, 64GB की स्टोरेज मिलेगी, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 512GB तक, 8MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा एंड 5MP का मिलेगा आपको सेल्फी कैमरा क्लिक, 8200 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी और साथ के साथ मिलेगी आपको 1 ईयर की वारंटी। सो मुझे काफी पसंद आया था ये टैबलेट, वैल्यू फॉर मनी है, वाईफाई एंड LTE दोनों तरह से आता, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तो फाइनली जो नंबर वन का टैबलेट हमारी लिस्ट में आता है गाइज, वो आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A7। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेज लेना चाहते हैं, या फिर ऑफिस के लिए नॉर्मल वर्क करना चाहते हैं, या फिर मेरी तरह कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते हैं, अमेजिंग डिस्प्ले क्वालिटी चाहते हैं, बैटरी लाइफ डिसेंट चाहते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ट चाहते हैं, तो ये टैबलेट आपके लिए ही बना है। प्राइस है जो इसका वो 20,000 रुपए के आसपास ही मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 4.4 out of 5 रेटिंग मिली है इसको, एंड काफी वैल्यू फॉर मनी टैबलेट है आपको बता दूं इस प्राइस रेंज के अंदर। साउंड क्वालिटी इसकी कमाल की देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्वाड स्पीकर मिलते हैं, साथ ही साथ 10.4 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर, यानी कि परफॉर्मेंस भी डिसेंट मिलने वाली है। कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो 8MP का रियर कैमरा, 5MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा, जो कि कमाल के हैं सैमसंग की तरफ से। एंड साथ ही साथ 7100 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, जो कि आपको लॉन्ग टाइम तक साथ देने वाली है। सब कुछ कमाल का मिलने वाला है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसके अंदर भी आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, बाई के बटन पर प्रेस कीजिए, आपके हाथ में होगा वैल्यू फॉर मनी टैबलेट। 2-3 दिन के बाद डिलीवरी करते हैं ये लोग। साथ ही साथ अगर आपका बजट 20,000 रुपए से ऊपर चला जाता है तो आप सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट की तरफ जा सकते हैं, जो कि कमाल का टैबलेट है। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक पर। तब तक जय हिंद। कमेंट करना ना भूलें, लाइक जरूर कर दें पसंद आई हो तो प्लीज। Thank you.